रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज रेपो रेट में कटौती का ऐलान किया है। कोरोना संकट के बीच पैदा हुई विषम परिस्थितियों पर आरबीआई गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कोरोना संकट के बीच ग्राहकों को राहत देने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताया। गवर्नर ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने पॉलिसी रेट में कटौती का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि रेपो रेट में 40 आधार अंकों की कटौती का फैसला किया गया है और नया रेपो रेट 4.40% से घटकर 4% पर आ गया है। इससे भविष्य में लोन की ब्याज दरें घटेंगी और लोगों को सस्ती दर पर कर्ज मिल सकेगा। इसी के साथ ही ईएमआई मोराटोरियम को 3 महीने आगे बढ़ा दिया गया है। कोरोना के लॉकडाउन के बाद से यह तीसरी बार है जब आरबीआई ने कराहती इकॉनमी को देखते हुए राहतों का ऐलान किया है। सबसे पहले 27 मार्च को और उसके बाद 17 अप्रैल को आरबीआई ने कई तरह की राहतों का ऐलान किया था, जिसमें ईएमआई मोराटोरियम जैसे बड़े फैसले शामिल थे। रेपो रेट में कटौती के साथ आरबीआई गवर्नर ने रिवर्स रेपो रेट में भी 40 आधार अंकों की कटौती का ऐलान किया है। इस कटौती के बाद रिवर्स रेपो रेट 3.75% से घटकर 3.35% पर आ गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि एमपीसी के 6 में से 5 सदस्यों ने रेपो रेट घटाने के फैसले का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। अप्रैल में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई घटकर 11 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। डब्ल्यूटीओ के मुताबिक दुनिया में कारोबार इस साल 13 से 32% तक घट सकता है। गवर्नर ने मौद्रिक नीति पर चर्चा करते हुए कहा कि 2 महीने के लॉकडाउन ने देश की आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित की हैं। आर्थिक गतिविधियों में 60% का योगदान देने वाले 6 राज्यों के ज्यादातर इलाके रेड और ऑरेंज जोन में हैं। इन इलाकों की इंडस्ट्री का आर्थिक गतिविधियों में बड़ा योगदान होता है। शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई देश की आर्थिक गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए है। देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े हर सेगमेंट पर आरबीआई की टीम की निगरानी बनी हुई है। इस आपदा के दस्तक देने के बाद आरबीआई ने लिक्विडिटी के मोर्चे पर कई फैसले लिए हैं। कोरोना के असर को देखते हुए 2020-21 की पहली छमाही में जीडीपी ग्रोथ निगेटिव रहने का अनुमान है। दूसरी छमाही में कुछ तेजी आ सकती है। शक्तिकांत दास की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर शेयर बाजार में कोई उत्साह नहीं दिखा। इसके उलट शेयर बाजार में बिकवाली का माहौल देखने को मिल रहा है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 150 अंक लुढ़क कर 30,700 अंक के नीचे कारोबार कर रहा था, तो इसी तरह निफ्टी में 40 अंकों की गिरावट आई और यह 9,100 अंक के नीचे था। आपको बता दें कि देश में कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान से निपटने के लिए मोदी सरकार ने करीब 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, जिसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज नाम दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को देश के नाम संबोधन में इसकी घोषणा की थी, जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 5 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए उपायों की घोषणा की थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।